कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आज महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर केंद्र सरकार को घेरा। हालांकि बात बात में उन्होंने ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा मच गया। दरअसल उन्होंने बीजेपी की चुनाव जीत को हिटलर की जीत से तुलना कर दी। फिर क्या था, बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेर लिया और याद दिलाया कि उनकी दादी ने ही देश में आपातकाल लगाया था। राहुल ने कहा कि चूंकि हिटलर के पास देश की सारी संस्थाएं थी, इसलिए वह चुनाव जीत जाता था। दरअसल राहुल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि आप बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अच्छा तरीका है, वो जनता तय करती है और वो चुनाव जीत रही है। इस पर राहुल ने कहा, हाँ हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशन उसके हाथ में थी, उसके पास ऐसे थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी आज बेहद आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सरकारी संस्थाओं को ही भाजपा और संघ का प्रकोष्ठ बना दिया है। ईडी जैसे देश के सरकारी संस्थान किसी कठपुतली की तरह विपक्ष को कुचलने के भाजपाई फरमान की जी हुजूरी करने लगे हैं। आज बीजेपी द्वारा अपने गुनाहों को छिपाने के लिए विरोध में उठी हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश भर में राहुल गांधी की क्लास लगना शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल के हिटलर के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल लगाया था, आपातकाल में बड़े बड़े पत्रकारों को जेल भेजा था। राहुल गांधी की दादी जी ने कमिटेड ज्यूडिशरी की बात की थी, आपको कुछ याद है? आप हमें लोकतंत्र की नसीहत देते हैं, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, डिफेंस डील में कोई कट नहीं लगता है, कांग्रेस और उसका भ्रष्टाचारी तंत्र इससे परेशान है। इसके साथ ही दोस्तों, बीजेपी की ओर से प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को नकली गांधी तक बता दिया था और महात्मा गांधी के वंशज का ढोंग करने वाला बता दिया था। आप राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।